नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। नागरपुर में आरएसएस का विजयदशमी उत्सव इस बार बेहद साधारण तरीके से मनाया गया। कार्यक्रम में सिर्फ 200 स्वयंसेवक ही शामिल हुए, किसी विशेष अतिथि को भी नहीं बुलाया गया, जबकि हर साल इस कार्यक्रम में 5000 लोग शामिल होते हैं। मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को संबोधित कर कहा कि त्याग और बलिदान से हमें आजादी मिली है। आज का युवा ड्रग्स का आदि हो रहा है, ड्रग्स पर पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मसले पर भागवत ने कहा कि कुछ कट्टरपंथी भी देश में धार्मिक भावना भड़काने का काम कर रहे हैं। आजकल कहते हैं, पहले इतना नहीं कहते थे, आजकल कहते हैं, वो कहते हैं ये जनसंख्या क्या क्या करेंगे, बढ़ती जा रही। तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, दो बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए, एक 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है। भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है, ये हो ना पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ ना पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे। ऐसा स्थूल और सूक्ष्म एक सांस्कृतिक आक्रमण भी लगातार चल रहा है, इस भय से कि अगर ये सारी बातें भारत में ठीक हो गई तो हम नहीं चल पाएंगे। और गठबंधन भी ऐसे लोगों ने बना लिया है, सम्मिलित प्रयास करते समाज को ठीक दिशा में चलाने के प्रयास करने चाहिए, सब ऐसा नहीं करते। विशेषकर इसके व्यवस्था को चलाने का भारत के जो दायित्वधारी लोग हैं, राज्यों में है, केंद्र में है, सब लोग हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा व्यवहार दिखता है, यानी एक भारत का ही राज्य है, दूसरा भी भारत का ही राज्य है, उसकी पुलिस आपस में युद्ध करती है, गोलियों से लोग मारे जाते हैं, हम एक देश के वासी हैं कि क्या है? अपनी राजनीतिक स्पर्धा के चलते और सरकारों का विरोध खड़ा होता है, पार्टियों का है, चलता है, लेकिन सरकारें व्यवस्था के अंदर, व्यवस्था तो एक है, संविधान के तहत बनी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कैसे कैसे चित्र आते हैं, क्या क्या आता है। अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देख ही रहे, और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या दिखा रहा इसका भी कोई नियंत्रण नहीं। देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है, और उस व्यापार से जाने वाला आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता है हम सबको पता है, देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग होता है, सीमा पार के देश उसको प्रोत्साहन करते हैं। बिटकॉइन जैसी करेंसी है, किस राष्ट्र का किस नियम का उस पर नियंत्रण है मुझे नहीं पता। एक स्पर्धा खड़ी हो रही है, इन सब बातों को नियंत्रित करना, समाज के हित में चलाना, ड्रग्स जैसे व्यसनों का पूर्ण निराश हो इसका प्रयास करना, ये शासन को करना चाहिए, करना पड़ेगा।